तो हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जो है टॉपिक फॉर लूप ठीक है एक लूप्स में है जो हम लूप से पहले देख रहे थे लूप्स में ही एक है कंसन स्टेटमेंट एक है ये से तो नाम इसका फॉर है तो उसको हम बोलते हैं फॉर लूप अगर आपने कीवर्ड्स पे ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे एक कीवर्ड है फॉर ठीक है तो so, लूप uh, क्योंकि हर एक लूप एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हर एक लूप की अपने अपने तरीके से अपने अपने काम है लेकिन फॉरलूप वो एक लूप है जो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखेंगे तो ज्यादा यूज होता है बहुत ही ज्यादा यूज होता है फॉर इवन I mean, जो वेरी हाई प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स होते हैं वो लूप को बड़े जबरदस्त तरीकों से डिफरेंट टूरिस्ट के साथ यूज करते हैं ठीक है तो लूप यहाँ से स्टार्ट होता है सब उसी लैंग्वेज इसके बाद आप चाहे जो भी लैंग्वेज पढ़ो आपको हर एक लैंग्वेज में फॉर लूप मिलेगा ठीक है तो फॉर लूप का बेसिक कंसेप्ट आया तो वो हर एक लैंग्वेज में ऑलमोस्ट है तो फॉर लूप को यूज करने के लिए हम लिखते हैं की हमारे पास जो है फॉर उसके बाद हम एक चीज करते हैं उसको बोलते हैं इंसलाइजेशन फिर टर्मिनेट करते हैं फिर हम इसकी एक कंडीशन लिखते हैं एंड फिर वो करते हैं फिर इंक्रीमेंट ठीक और उसके बाद इसका ब्लॉक होता है जहां पर हम इसका कोड लिखते हैं जैसे वाइल लूप में हम करते थे वाइल और कंडीशन लिखते थे ठीक है हम वाइल लिखते थे फिर कंडीशन लिखते थे फिर जहां पर उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना था विद इन द फॉर विद इन दॉडी ऑफ द लूप करते थे

उसके लिए तो हम एक कंडीशन बनाते हैं एंड देन दिस इंक्रीमेंट पार्ट जो इससे पहले लूप uh, में हमने कि हम प्लस प्लस करते करते थे या minus, minus करते थे या माइनस माइनस तो वो चीजें असल में यहां पे भी इट कैन बी इंक्रीमेंट और बेसिक जनरल फॉर्म ऑफ द फॉर लूप ठीक है अब मैं आपको एक सिंपल एक लूप uh, एग्जांपल uh, के सपोज वी हैव टू जनरेट ए नंबर सीरीज हमें एक से टेन तक या एक से हंड्रेड तक या सपोज एक से टेन तक हमें जनरेट करना तो आई विल टेक वन इंटीजर कोई नाम या आई या जो भी मैं इसका नाम रखूँ सपोज एक्स तो मैंने इस एक इंटीजर वेरिएबल एक लिया एक्स ठीक है अब फॉर लूप से कैसे हम करेंगे तो फॉर सपोज मुझे इस नंबर सीरीज को लेना है जीरो से ठीक है और मैं चाहता हूं इसको ये अलेवन से कम यानी टेंथ तक आ जाए तो ये कंडीशन हो गई दिस कहां से स्टार्ट करना है मैं इसको बोल रहा हूँ स्टार्ट करो जीरो से और कंडीशन है जो इससे पहले भी हम कंडीशन यूज कर रहे थे कि कंडीशन जो है इसमें है लेस देन अलेवन इसका मतलब जीरो से टेंथ तक चलेगा अलेवन पहुंचेगा तो ये लूप से बाहर आना चाहिए एंड देन इंक्रीमेंट हमें कितना इंक्रीमेंट करना है एक इंक्रीमेंट करना है दो इंक्रीमेंट करना है मैं यहाँ पे चाहता हूँ नंबर सीरीज Uh, अगर सपोज मेरी क्वेश्चन है मेरे लिए प्रॉब्लम जो है जिसका मुझे है, वो एक नंबर सीरीज प्रिंट करनी है one, say, 10, तो, तो मैं यहाँ पर एक एक तो मैं करूंगा प्लस वन प्लस प्लस नहीं करूंगा सपोज वहां पर मैं प्लस टू करता क्यों क्योंकि मुझे सपोज ऐसे चाहिए अगर मुझे ऐसे चाहिए टू फिर फोर फिर सिक्स क्योंकि इवन सीरीज में हर एक uh, के बाद दो दो ऐड होते हैं टू के बाद फिर और दो ऐड होते फोर बन जाता है ना जो इवन सीरीज है इवन सीरीज इज द मल्टीपल ऑफ टू लेकिन यहाँ पे मेरी कंशन वो नहीं है इसको एक एक करके ऐड करो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स इज कॉल्ड एक्स प्लस वन ठीक है बट वी नो द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये हम शॉर्टकट में लिखते हैं ठीक है और एक अच्छे अच्छा भी तरीका है लिखने का प्लस प्लस का मतलब एक ऐड करो तो मैंने एक फॉर लूप में जैसे मैंने इससे पहले आपको दिखाया था इसमें बताया था कि इसमें होती है पहली इंसलाइजेशन तो इंसिलाईज किया मैंने ठीक है इंशिलाईज क्या किया एक्स एक्स को मैंने दे दिया जीरो कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसके बाद मैंने क्या किया, किया? कंडीशन तो कंडीशन क्या थी क्या है यहाँ पे एक्स लेस देन अलेवन तो ये मेरी कंडीशन है कि x लेस देन 11 होना चाहिए 11 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए ये decrement भी हो सकता है कभी हम वो 10 से, 10 से नीचे आ रहे हैं तो वो भी हो सकता है लेकिन यहां पे इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं x को प्लस प्लस कर रहा हूं ठीक है तो वो तीनों तीनों चीजें आ गई जो हम मैंने अभी आपको कंडीशन एंड इंक्रीमेंट तो ये तीनों चीजें जो है यहां पे ये आ गई वी आर यूजिंग दिस इनिशियलाइजेशन की कहां से स्टार्ट करना है ठीक है इसको जीरो से स्टार्ट करो एक्स को वैल्यू दो जीरो पहले हम पहले कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ जीरो रखेंगे एंड देन uh, इसकी एक कंडीशन है कि कहाँ तक जाना चाहिए ये एलेवन तक जाना चाहिए एंड देन द इंक्रीमेंट पार्ट ठीक है अब इसका काम करने का तरीका कैसा है अब देखो इसका काम करने का तरीका कैसा है पहले पहली बार जब ये लू पहली बार चलता है पहली बार याद रखना पहली बार ओनली द वेरी फर्स्ट टाइम ये चीज याद रखना ओनली द वेरी फर्स्ट टाइम तब इंशलाइज होता है सिर्फ पहली बार ओनली द वेरी फर्स्ट टाइम इंशलाइज होता है ठीक है तो पहली बार ये कंडीशन सिर्फ एक बार चलेगी ये एक्सकुल जीरो सिर्फ एक बार पहली बार जब ये लूप पे जब ये लूप पहली बार चलेगा तो ये एक्सकुल जीरो हो जाएगा ठीक है तो इंशलाइजेशन जो है वो सिर्फ एक बार चलता है लूप में ये या, याद रखना ये दिमाग में आप अपनी बस आ, आज के बाद इंशाल्लाह आप आईटी फील्ड से हो तो जिंदगी भर के लिए दिमाग में रख देना फॉर लूप में इंशलाइजेशन सिर्फ पहली बार होता है एग्जीक्यूट उसके बाद नहीं ठीक है फिर पहली बार एक और चीज होती है कि कंशन चक होती है ठीक है तो पहली ये दो चीजें चलती हैं पहले लूप में इंशलाइज In, करता है एक्सोल्ड जीरो फिर उसको कंडीशन के साथ चेक करता है ठीक है सपोज एक्सल्ड मैंने इसको जीरो किया तो क्या ये लेस देन है हाँ ये तो लेस देन अलेवन है इंक्रीमेंट अभी नहीं करेगा अभी ये नीचे जाएगा लूप में ठीक है इसने ये चीज किया पहली बार और फिर कंडीशन चेक की तो फिर क्या करेगा सपोज जो भी हम इसको लूप में करना हो मैं यहाँ पे इसको लूप में बोल रहा हूँ कि आप इस एक्स का वैल्यू प्रिंट करो ठीक है तो मैं एक्स का वैल्यू कर रहा ठीक है तो क्या हो पहले कि एक्स का वैल्यू जीरो चला जाएगा और वो कंडीशन चेक होगी इज लेस देन ओके हैव कंडीशन ट्रू ये नहीं चलेगा अभी इस पे नहीं पहुंचेगा याद रखना यहाँ पे टर्मिनेट नहीं है यहाँ मैंने यहाँ पे टर्मिनेट नहीं यूज किया है लास्ट में इसमें ठीक है तो फिर क्या चले जाएगा अपने लूप की बॉडी में चला जाएगा लूप की बॉडी में जो भी हमें करना है वो हम कर सकते हैं

मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि ये जो चीज थी एक्सेज कुल्स जीरो सिर्फ पहली बार चलेगी ये इसके बाद चलेगी ही नहीं कभी ठीक है तो पहली बार ये चली पहली बार ये चला एक्सेस कुल जीरो हो गया ठीक है गया उसके बाद कंडीशन चेक हो गई कंडीशन भी ट्रू हमें आई ठीक है तो कंडीशन अभी इससे लेस दी है तो ये प्रिंट आउट इसने किया जब इसने ये प्रिंट किया तो नेक्स्ट लेवल पे आ गया तो इसके बाद क्या करता है जब जो ये खत्म होने को आया था तो पहले ये इंक्रीमेंट करेगा x प्लस प्लस एक्स को एक इंक्रीमेंट कर तो x बन गया इससे पहले जीरो था तो x हमारा बन गया यहाँ पे वन तो जो ही x वन बन गया इस वजह से तो अब ये कंडीशन पे चला जाएगा ठीक है अब हम दूसरी दूसरी टाइम पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ठीक है तो कंडीशन पे चला जाएगा तो देखेगा क्या वन लेस देन अलेवन है हाँ वन तो लेस देन अलेवन है तो हमें कोई इश्यू नहीं है इसका मतलब ये आगे बढ़ेगा और प्रिंट एफ करेगा परसेंट डी फिर से यानी वन अभी एक्स का वैल्यू वन है ठीक है अब इसके बाद फिर से यही होगा आ, इसके बाद ये देखेगा कि लूप का एंड आ रहा है तो जब लूप का एंड आ रहा है तो पहले इंक्रीमेंट करेगा तो इंक्रीमेंट करेगा एक्स इससे पहले वन था एक्स को टू बनाएगा जो ही टू बना दिया इसको फिर से चेक किया क्या एक्स लेस देन इलेवन है टू इज लेस देन इलेवन हाँ ट्रू है तो लूप की बॉडी में जाएगा ठीक है याद रखना मैंने ये बोला अब इसके साथ कोई एक्सोल्ड जीरो के साथ कोई काम नहीं है वो बस पहले ही काम था पहली बार इसके बाद ये उसकी तरफ देखता भी नहीं है ठीक है तो अब ये पे कंडीशन के बाद सीधे लूप की कंडीशन में आ जाएगा ठीक है जब ये लूप की कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पर ये प्रिंट करेगा अब टू ऐसे ही थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन भी प्रिंट

अगर मैंने लूप के बाहर कुछ किया होगा यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये यह यहाँ पे पहुंच जाएगा तो जो इज इक्वल 11. 11 तो यहाँ पर मैं इक्वल का कोई कंसेप्ट नहीं बोल रहा हूं जो ही कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है ये कंडीशन अब वैलिड ही नहीं रहती तो ये सीधे लूप के बाहर आ जाता है यहाँ पर ठीक है तो लूप के बाहर हम और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं जैसे हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लूप्स होते हैं हमारे प्रोग्राम में सो फॉर लूप भी हो सकते हैं हजार फॉर लूप भी हो सकते हैं हैं डिफरेंट जब बड़े बड़े हम बनाते यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है जू ही यहाँ पे वैल्यू एलेवन आ गया तो ये इस लूप के बाहर आ गया और ये प्रोग्राम बाद में क्योंकि हम उसके बाद प्रोग्राम को ही क्लोज कर रहे हैं उसके बाद हम कुछ काम नहीं कर रहे अगर हम और भी कुछ काम करते सपोज प्रिंट आउट या कुछ भी और काम करते तो वो काम

जब वे बॉडी में एक बार चला जाता है उसके बाद जब इसको वापस आना है जब इसको वापस आना है ठीक है तब ये इंक्रीमेंट पे चला जाता है और इस वाली ऑप्शन को भूल जाता है इस वाली जो ऑप्शन है इसको भूल जाता है यानी अब ये इंसलाइज़ इसको नहीं करता है. तो इंक्रीमेंट करता है और इंक्रीमेंट करने के बाद चेक करता है कैंशियम तो इसके बाद ये बार बार इंक्रीमेंट करता जाता है और कंडीशन चेक करता रहता है जब तक इसको कंडीशन ट्रू मिलती है ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करता है जो ही इसको कंडीशन मिलती है ये लूप से बाहर आ जाता है ठीक है तो एक सिंपल सी कंटन है ऑब्वियसली जो हम वाइल्ड लूप में भी कर सकते हैं वो हम फॉर लूप में भी कर सकते हैं ठीक है थीके? अब फॉर लूप में फॉर फिर एक और लूप बनाने की क्या जरूरत पड़ी आगे आगे हम देखेंगे इन जो हम फॉर लुप को ज्यादा यूज करेंगे कि फॉर लुप में हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं हम फॉर लुप को बहुत सारी ट्विस्ट कर सकते हैं हम इस स्टेप पे इस पे कोई ज्यादा ट्विस्ट नहीं करेंगे हम इसकी बेसिक चीजें ही समझेंगे तो इस प्रोग्राम को एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं ठीक है जो ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया इट इसने दिया जीरो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और टेन के बाद असल में वापस चला जाएगा लूप के बाहर आएगा तो अगर हम ये भी देख सकते हैं सपोज लूप के बाहर हम एक प्रिंट एफ करें प्रिंट एफ एन अहमदुल्ला तो यहाँ पर सपोज uh, हम x का वैल्यू निकालेंगे एक्स इजन डी ठीक है तो हम लूप के बाहर देखेंगे आउटसाइड ऑफ द लूप x का वैल्यू क्या है तो फिर बार फिर एक्सक्यूट करते हैं <coughs> तो यहां पर हमें मिला oh, sorry. Did करना था मैंने तो जो ही जीरो तो पहुंच गया था तो ये इस लूप के बाहर आ गया ठीक है क्योंकि हमारी अलेवन की कंडीशन नहीं थी हम इसे बोल रहे थे अलेवन से कम कम बराबर नहीं बोला हाँ अगर मैं इसको सिंपल यहां पर ऐसे कर दूस लेस इक्वल टू अलेवन अलेवन के बराबर भी तो इसमें एक ट्विस्ट आ जाएगा कि ये अब 11 को भी प्रिंट करेगा और जब ये ट्वेल्व पहुंच जाएगा तो तब ये लूप के बाहर आ जाएगा ठीक है क्योंकि इससे पहले मैंने मेरी सिंपल कंडीशन थी एक्स शुड बी लेस देन अलेवन ठीक है? तो दिस इज द बेसिक ऑफ द फॉर लूप ये फॉर लूप का बेसिक है